बिना सूचित नगर निगम अमला पहुंचा दुकान बंद करवाने। 21 मार्च को अचानक से नगर निगम अमला पुलिस के साथ मिलकर खाने पीने की दुकान बंद कराने पहुंच गया। अचानक कार्रवाई होते देख दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने दुकान बंद करने से इनकार किया। दुकानदारों का कहना है कि बचा हुआ खाना और दूध का क्या करें, हमें इसे बेचने की मोहलत दीजिए। सवाल, कोरोना वायरस सिर्फ चाय पान खाने की दुकानों से ही फैलेगा? बाकी इलेक्ट्रिकल्स मार्केट, बर्तन कपड़ा मार्केट, उसे बंद क्यों नहीं करवाया गया? प्रशासन ने कोरोना से बचने के लिए कहां से शुरुआत की, खाने पीने की दुकान बंद करवाई? कलेक्टर के आदेश से जनता का कहना है कि कलेक्टर साहब हमें एक दिन पहले दुकान बंद करने की सूचना दे देते तो चाय वालों का 50 लीटर दूध खराब ना होता, खाने की होटल का खाना खराब ना होता। अचानक कार्यवाही से हमारे होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? देश हित में कदम उठाए देश की जनता स्वागत करती है, इस लड़ाई में साथ भी है, मगर देश की जनता को बताकर कदम उठाए, बिना बताए उठाए गए कदम से नुकसान कितना हुआ ये तो गरीब जनता को ही पता है। सूचित करके कार्यवाही करने से नुकसान से बचाया जा सकता था। दुकानदारों पर कार्यवाही से पहले उसे जागरूक करना चाहिए। क्या न्यूज़ से आजम खान, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बुधवार चौराहे पर, जहाँ पर थोड़ी देर पहले नगर निगम का अमला आया और अचानक से यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि अचानक आकर उन लोगों ने दुकानें बंद करवा दी है और दुकान बंद करवाने अचानक से जो है फरमान जारी किया गया है और दुकानें बंद करवाई गई है। इसकी वजह से उनका जो सामान था दुकानों में, दूध और खाने पीने का जो बना हुआ था, वो सामान पूरा खराब हो रहा है। वो कह रहे कि सामान को हम लेकर कहाँ जाए, अगर बंद ही करवाना था, हम भी कोरोना वायरस के नहीं चाहते कि देश में कोरोना वायरस फैले, हम सरकार के साथ में कि इन्फेक्शन ना फैले, मगर इसकी तैयारी अगर पहले से की जाती और हमें एक दिन पहले बता दिया जाता कि कल मार्केट को बंद करना है तो हम शायद बंद करते और हमारे घरों में बैठे रहते, ये हमारा नुकसान ना होता। आज उसी सिलसिले में हम यहाँ की जनता की राय जानते हैं कि जनता क्या कहना चाहती है। भाई आपका नाम? शाहब नाम है मेरा। भाई आपकी काय की दुकान है? मेरी तो चिकन की दुकान है तवारे में। भाई आपको जो अभी आज आए हैं, नगर निगम का जो अमला आया, दुकानें बंद करवाई है, इन्होंने पहले से कोई आपको गाइडलाइन दी थी कि कल बंद करना? कुछ नहीं बोला था। आज मेरी दुकान में 25,000 रुपए का चिकन भरा हुआ है मुर्गा, जिसके कारण मैं ना अपना मुर्गा लोगों को दे रहा था, बेच रहा था। उसके मुर्गे के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, ना किसी तरह की उसमें कोई वायरस था। अभी मुझसे आके कह दिया कि आपको दुकान बंद रखना है। अब ये बताइए मैं अपना चिकन कहाँ लेके जाऊंगा, मुर्गा कहाँ लेके जाऊंगा? कोरोना वायरस तो करीब करीब एक महीने से ये बीमारी का चल रहा है और आप सुनने में भी आया है कि ये फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, अपन सम्मान करते हैं कि सरकार ने ऐसे कदम उठाए तो अच्छे कदम उठाए, क्योंकि जनता के हित में कदम उठाए गए, उसका साथ अपनों को भी देना चाहिए। मगर आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने चूक करी है कि कदम तो उठाए मगर बिना बताए कदम उठा दिए? सरकार ने बताई अभी तक भोपाल में क्या करा है? कहीं भी कुछ नहीं करा। भोपाल के अंदर जो दवा डालना चाहिए थी, लोगों के अंदर मास्क बांटना चाहिए था, दुकान वालों को आके पहले से बताना चाहिए था, ऐसा सरकार ने कुछ भी नहीं बताया। आपका मानना है कि सरकार ने ना हमें कोई बताया, बिना बताए अचानक से दुकान बंद करवाने लगे और ना ही अभी तक कोई स्प्रे किया गया भोपाल में, ना कोई दवाई डाली गई है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई है? कहीं आपको कोई नगर निगम अमले ने कोई ग्लोव्स या मास्क वास्क कुछ बांटे हैं? कोई मास्क नहीं बांटे, ना कोई दवाई छिड़की। सरकार को तो खुद अपनी पड़ हुई है, वो सरकार तो खुद खतरे में इस वक्त। हर आदमी क्या है, कुर्सी को देख रही है। अभी आप कोई देख ले कि एमपी के अंदर क्या हुआ, चंद पैसों के खातिर उन्होंने अपनी सरकार गिरवा दी। आज खुद आदमी सरकार का आदमी सरकार 70 लीटर दूध खराब हो गया मेरा तो। आपको क्या मालूम नहीं था कि कल बंद होगा? हमें कुछ सूचना ही नहीं, कल का मालूम था हमें तो। अच्छा आपको संडे के रोज का मालूम था, इतवार के दिन बंद होगा और इन्होंने आज अचानक सैटरडे में बंद कर दिया? भाई कलेक्टर का आ रहे थे तो फिर अनाउंस करते, हम दूध ही लेते कुछ अपना सरकार। पप्पू टी स्टॉल इतवार भोपाल। अच्छा भोपाल में तो आपकी चाय की दुकान है? हाँ। तो आपका मानना कि अगर सरकार ने कदम जो उठाए कोरोना वायरस के लिए जनता के हित में उठाए, मगर इस कदम को अगर बताकर उठाते तो हो सकता है कि आप लोगों का नुकसान ना होता? अरे सर किसी का नहीं होता, हमारा का नहीं होता, हम भी सबके साथ हैं, हम सरकार के भी साथ हैं, हम आदेश दे देते, पालन तो कर सी कर रहा, लोग करेंगे कल संडे तो करेंगे ना पालन। अच्छा जो अभी बंद करवाइए दुकान, इन्होंने कुछ बताया कि कब तक बंद करना? किसी को नहीं बताया कुछ, अचानक हुआ ये, सुना कलेक्टर साहब का ऑर्डर था तो ये बोल के गए कि आपको कल खोलना नहीं खोलना? नहीं कल तो हम सब पूरा हिंदुस्तानी मैंने कल
कोई कल के बाद में, कल के बाद में परसों नरसों जो भी बताया कुछ की कब कल का है 22 तारीख का है, बस दुनिया मन पूरा दुनिया मन करेगी वो तो 22 तारीख भाई। आज तो हमारा सबका स्वान है, सब गरीबों का स्वान। अच्छा ये जो दुकानें बंद हो गई, अब आपके तो ये रोजमर्रा की रोजी थी ये, अब आप क्या करेंगे? अब हम धनिया बेचेंगे और खाएंगे घर में जाके, बच्चों के साथ खाना खाएंगे बैठ आराम से। हाँ मतलब मंदी के दौर में ये एक और पेट पे मारे। अरे पेट की मारने के बगैर हर इंसान परेशान है, लेकिन पेट के पीछे हर इंसान परेशान है। सुबह से उठता है इंसान, अपने धंधे पे जाता है, और धंधे में कुछ हो जाए तो आदमी को बोलने पर हो जाता काम खराब। आप इस बात को भी मानते हैं कि सरकार ने दुकानें बंद करवाई सुरक्षा के मद्देनजर, चलो अच्छी बात है करवाई, मगर इसी जनता की सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई मास्क या कोई दवाइयां या कुछ ऐसी चीजें कुछ नहीं दिया भैया, कोई कुछ नहीं दिया किसी ने। वो तो अब जो होना है वो तो हो गई।